हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ए डिजीज इज कॉज्ड बाय अ ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसफंक्शन इज ए डाउन सिंड्रोम, बी कैलेनिफिल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, डी सिकल सेल एनीमिया। सो हमें ये पूछा गया है कौन सा डिजीज यहाँ है जो ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसफंक्शन है। सो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह की होती है, एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और एक है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स इज नथिंग बट जहां एडिशन या डिलीशन होता है इन ऑटोसोम क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम में डिलीशन या एडिशन होता है उसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और ऑटोसोमल डिसऑर्डर होती है जहां 22 pairs of chromosome, यानी autosomes जो होती है, वहाँ होती है addition या deletion, इसे कहते हैं autosomal disorders, यानी autosomal chromosomes में। So यहाँ हम options को देखें तो ये B जो Kleinfelter syndrome है यहाँ there is a addition of extra X chromosome in the autosomal chromosomes, यानी यहाँ autosomal जो मेल होता है XY और इस पे आता है extra X chromosome is added, this condition is called as Kleinfelter syndrome। ये होता है autosomal क्योंकि यहाँ autosome chromosome पर addition हो रहा है, so यहाँ Kleinfelter syndrome गलत है। so Turner syndrome टर्नर सिंड्रोम जो होता है यहाँ होता है डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी जब नॉर्मल फीमेल होती है वहां ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स, यहाँ टर्नर सिंड्रोम में होती है एक्स ओ, यानी देयर इज अ डिलीशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। ये भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसलिए टर्नर सिंड्रोम भी गलत ऑप्शन है। सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन है जहां होता है ऑन 11th क्रोमोसोम, ये म्यूटेशन होता है ऑन 11th क्रोमोसोम। ये म्यूटेशन की वजह से इन हेमोग्लोबिन 6th अमाइनो एसिड जो प्रोड्यूस होता है, यानी ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो रिप्लेस हो जाता है वैलाइन से। So, यहाँ the hemoglobin cell will appear like sickle shaped, इसलिए ये sickle cell anemia है, ये कोई autosomal condition नहीं है, so ये option भी गलत है। The last one is Down syndrome, Down syndrome है, it is called as 21st trisomy, क्योंकि यहाँ 21st chromosome में there is in 21st chromosome यहाँ है addition ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यहाँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन होता है, इसलिए वो एक ऑटोसोमल, यानी जो होता है ऑन 21st व्हिच इज ऑटोसोम क्रोमोसोम, ऑटोसोमल नॉन डिसफंक्शन डिसऑर्डर। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए डाउन सिंड्रोम। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।